देश भर में आज मनाई जा रही है ईद। दिल्ली की जामा मस्जिद में अता की गई नमाज। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और पीएम मोदी ने दी ईद की बधाई। पश्चिम बंगाल में झड़पों का दौर जारी। 24 परगना में टीएमसी कार्यकर्ता की जिंदगी का किया गया खात्मा। वर्धमान में झड़प के बाद घर और दुकानों को आग के हवाले किया गया। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय का बड़ा दावा, कहा निश्चित नहीं कि 2021 तक बनी रहेगी ममता बनर्जी की सरकार। कर्नाटक में फिर मंडराया जेडीएस कांग्रेस गठबंधन सरकार पर संकट। अब जेडीएस प्रदेश अध्यक्ष एएच विश्वनाथ ने गठबंधन के कामकाज पर उठाए सवाल, अपने पद से दिया इस्तीफा। कर्नाटक लोकसभा चुनाव में जीत से गदगद बीजेपी। आज बीजेपी ने बुलाई सभी विधायकों और सांसदों की बैठक, अपने 25 सांसदों को सम्मानित करेगी पार्टी। जम्मू कश्मीर में साल के अंत तक होंगे असेंबली चुनाव, चुनाव आयोग ने कहा अमरनाथ यात्रा के बाद शुरू होगी प्रक्रिया। 15 जून को होगी नीति आयोग के संचालन परिषद की बैठक, पीएम मोदी करेंगे अध्यक्षता। जल प्रबंधन, कृषि और सुरक्षा से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर होगी चर्चा। कंप्यूटर बाबा को कमलनाथ सरकार का तोहफा, नदी न्यास का नियुक्त किया अध्यक्ष। कंप्यूटर बाबा ने नर्मदा नदी के निरीक्षण के लिए मांगा हेलीकॉप्टर। देश भर के सिनेमाघरों में रिलीज हुई फिल्म भारत, क्रिटिक्स ने सलमान खान को बताया फिल्म की जान। क्रिकेट के महाकुंभ में पहला मैच खेलने मैदान में उतरेगी टीम इंडिया। आज होगी साउथ अफ्रीका के साथ टीम इंडिया की टक्कर, जीत पर रहेगी कोहली की टीम की नजर। अमेरिका की जीएसपी सूची से बाहर हुआ भारत, आज से लागू होगा फैसला। ट्रंप ने कहा अमेरिका को हो रहे व्यापारिक नुकसान के चलते की गई कार्रवाई। अबू धाबी में एक भारतीय ने लॉटरी में जीते 18 करोड़ रुपए, टॉप 10 विजेताओं में 6 भारतीय प्रवासी। श्रीलंका में मुस्लिम मंत्रियों के इस्तीफे पर भड़के हिंदू सांसद, कहा सभी को साथ मिलकर रहने की है जरूरत। चीन ने अमेरिका जाने वाले अपने नागरिकों के लिए जारी किया एडवाइजरी, अमेरिकी यात्रा में कमी करने की कही बात, पिछले दिनों होने वाली घटनाओं का दिया हवाला। थेरेसा मे ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के तौर पर अपने आखिरी संवाददाता सम्मेलन को किया संबोधित, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए सहयोग और समझौते का दिया संदेश। 6 दिन बाद थमी तेल उत्पादों की कीमतों में गिरावट। 6 दिनों में दिल्ली में पेट्रोल की कीमत में 63 पैसे प्रति लीटर की हुई कटौती, जबकि डीजल के दाम में उपभोक्ताओं को 1.13 रुपए प्रति लीटर की मिली राहत। बीते 5 वर्षों में सामने आए बैंक धोखाधड़ी के 27,125 मामले, आरटीआई से हुआ खुलासा, कांग्रेस ने डूबती अर्थव्यवस्था को बचाने की मांग की। ईद उल फितर के मौके पर आज बंद रहेंगे शेयर बाजार, एक दिन पहले 184 अंकों की गिरावट के साथ बंद हुआ था सेंसेक्स। देश में चाय का निर्यात बढ़ा, अप्रैल में 11.5% बढ़कर 179.3 किलोग्राम हो गया, पिछले साल 160.8 लाख किलोग्राम चाय का किया गया था निर्यात। डिजिटल पेमेंट करना हो सकता है सस्ता, लेन देन से जुड़ी शिकायतों के लिए बनेगा ऑनलाइन शिकायत केंद्र।